दोस्तों अपने पीसी या लैपटॉप से यूट्यूब के लिए थंबनेल आप कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा ताकि आप काफी आसान से अपने पीसी या लैपटॉप से यूट्यूब के लिए आप थंबनेल बना सकते हो एकदम प्रोफेशनली। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीसी या लैपटॉप से थंबनेल बना रहे हो तो एकदम नॉर्मली थंबनेल होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने मोबाइल से थंबनेल बना तो उससे भी और भी अच्छा आपको यहाँ पर अपने पीसी या लैपटॉप से थंबनेल बहुत ही एकदम अच्छा थंबनेल बन जाएगा अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। सिर्फ दोस्तों यूट्यूब वीडियो के लिए नहीं, आप चाहे तो फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी यूट्यूब के लिए बैनर कोई भी चीज आप बहुत ही बना सकते हो यहाँ पर। बहुत सारा क्रिएटिव आप यहाँ पर कर सकते हो जो कि आपको बहुत सारी चीज आपको फ्री में भी मिलता है, बहुत सारी चीज आपको पेड में मिलता है। तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर अगर आपने करेंगे तो आपको यहाँ पर हो सके काफी ज्यादा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों आज मैं ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा और ऐसा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, सब कुछ जो कि आपको रेडी हुआ चीज आपको मिलेगा, सिर्फ आपको जोड़ना है बस दोस्तों आपके थंबनेल रेडी हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह का जो थंबनेल है काफी आसान से, जैसे यूट्यूब चैनल ग्रो पीसी से यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, तो इस तरह का जो थंबनेल है काफी आसान से बना सकते हो। चलिए दोस्तों कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे सर्च करना है, तो पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि आपको सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा, कहां से आपको डाउनलोड करना है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है, क्रोम पे आके आपको यहां पर सर्च करना है जो कि डेस्कटॉप कैनवा डाउनलोड, ठीक है दोस्तों। डेस्कटॉप कैनवा डाउनलोड बोल के आप सर्च करेंगे, आपके सामने कैनवा फॉर विंडोज इसका साइट आपको मिल जाएगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। विंडोज के लिए कैनवा डाउनलोड करें तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक करते ही नीचे आपको कैनवा पर डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी या लैपटॉप पे। अभी दोस्तों हमारा ये पहला काम हो चुका है। अभी दोस्तों इसके बाद सबसे पहले इसी पेज को हम लोग कट कर देंगे। जैसे अपने कैनवा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कैनवा मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनको ओपन में क्लिक करूँगा दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर ओपन में क्लिक करूँगा और फर्स्ट टाइम आप दोस्तों लॉग इन कर लेना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जीमेल आईडी से लॉग इन कर लिया हूँ, तो आप यहाँ पर लॉग इन कर लेना। आप चाहे तो फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हो, लॉग इन का ऑप्शन काफी सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों मैंने लॉग इन कर लिया हूँ। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर थंबनेल आप कैसे बना सकते हो, अपने पीसी या लैपटॉप से यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो। सिर्फ दोस्तों आपको यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल नहीं, आप चाहे तो फेसबुक के लिए फेसबुक का बैनर, यूट्यूब का बैनर, वेबसाइट का, बहुत सारा जो की चीज जो की आप यहाँ पर बना सकते हो। ओके गाइस, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर यूट्यूब के लिए थंबनेल यहाँ पर मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च का ऑप्शन है, सर्च में मैं टच करूंगा यहाँ पर जो कि यूट्यूब थंबनेल, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर टाइपिंग करेंगे यूट्यूब थंबनेल तो यूट्यूब थंबनेल सर्च करते ही आपको नीचे यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी टाइप के आपके यहाँ पर थंबनेल आपको यहाँ पर बना बना हुआ चीज आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ आपको ये करना है, आप यहाँ पर सिर्फ आपको जो भी थंबनेल आपको पसंद आता है उसमें क्लिक करना है, यहाँ पर कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ क्रिएटिव भी आपको करना है। जैसे उससे ये जो मॉडल है इसी मॉडल को हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देंगे और अभी अपना खुद का फोटो लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि मॉडल का फोटो लगाने से कोई फायदा नहीं और वैसे भी यूज नहीं भी करना चाहिए मॉडल का, किसी भी चेहरा का यूज नहीं करना चाहिए, अपना चेहरा जो कि यूज करना चाहिए मेरे को तो यही लगता है। तो गाइस और यहाँ पर मैं अपना चेहरा बैठाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम लोग, अगर आपको यहाँ पर अपलोड करना है कोई भी अपना फोटो तो यहाँ पर आप अपलोड में क्लिक करेंगे। अपलोड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है, जो भी अपना फोटो है जिस फोल्डर में आपका फोटो है वो फोटो आपको देखिए ये फोल्डर पे ये हमारा फोटो है, इसी फोटो को हम लोग सिलेक्ट किया हो तो ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो गया है। यहाँ पर अभी इसी फोटो को पकड़ के सिंपल हम लोग को यहाँ पर लाएंगे। बस दोस्तों ये देख सकते हो अपना खुद का फोटो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये हमारा एकदम सिंपल फोटो है दोस्तों, अगर आपको इससे भी और भी अच्छा फोटो है तो आप DSLR से अपने उठाया हो तो आप यहाँ पर लगा लीजिए, मैं एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी गाइज यहाँ पर देखो यहाँ पर ईरान ऑनलाइन यूजिंग, तो यहाँ पर थोड़ा मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके मान लीजिए ऑनलाइन इनकम ऐसा सोर्सेस कोई थंबनेल आपको चाहिए या मोबाइल से कैसे इनकम करते हैं, जो भी आपको आपके टॉपिक है वो टॉपिक आपको सिर्फ यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। आपको चेंज कैसे करना है, देखिए ये जो राइटिंग है राइटिंग में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप एकदम लास्ट में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड का बैक वाला बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कटआउट हो जाएगा, ठीक है। और सभी जो चीज़ है आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। ये जो ईरान है इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसका जो प्लेट है सबसे पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटा हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर जो ऑनलाइन था इसको मैं
एकदम साइड में, देखिए थोड़ा मेरे को यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाना है, नहीं तो नहीं होगा ना। और वैसे भी सिर्फ आपको ये देखना है कहाँ पर लगाने से अच्छा होता है, कहाँ पर लगाने से अच्छा नहीं होता है। तो आप चाहे तो इसको आप लॉक भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये मेरे को इधर उधर हो रहा है तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना हटे। तो दोस्तों लॉक करने के लिए इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे और माउस का राइट वाला बटन को क्लिक करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा लॉक, लॉक में क्लिक करते ये टोटली यहाँ से लॉक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे टोटली, यहाँ पर ऐसे पकड़ के आप डबल क्लिक करेंगे या तो टोटली सभी को आप सिलेक्टेड करेंगे और ऊपर में आपको जो कलर का टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर क्लिक करके आप व्हाइट जो अभी कलर है अभी इसको येलो कर सकते हो या तो जो भी अपने हिसाब से जो कलर है कलर को आप चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये कलर चेंज हो चुका है। अभी फिर से मैं कलर पे आता हूँ तो देखिए ये टोटल अभी देखो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरह से आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। राइटिंग का फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर व्हाइट रहने दूंगा क्योंकि व्हाइट कलर यहाँ पर ज्यादा जो कि अट्रैक्टिव लग रहा है। जो भी आपको लिखना है अपने इस तरह से लिख लिया। अगर आपको यहाँ पर पीछे जो भी यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर ये अगर आपको हटाना है तो भी आप यहाँ पर हटा भी सकते, मतलब सब कुछ जो कि आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। तो मैं इसको रहने देता हूँ और यहाँ पर जो छोटा सा ये है ना इसको मैं थोड़ा यहाँ पर हल्का सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में मेरे को अच्छा लगे। और ये और यहाँ पर जो छोटा सा है इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। ये जो ये है इसको मैं इस साइड में रहने देता हूँ। अभी इसी थंबनेल को हम लोग करेंगे सेव। और सेव करने के लिए उससे पहले आप चाहे तो यहाँ पर जो पीछे का जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आपको फोटो में आ जाना है। फोटो पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड पे आप देखोगे यहाँ पर काफी सारा जो कि बैकग्राउंड आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिंपल अगर आपको बैकग्राउंड को यूज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर आपको ऐसा करके पीछे कर दीजिए। फिर उसके बाद माउस को राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर टोटल लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। लेयर का ऑप्शन में आके यहाँ पर आप सिंपली सेंड टू बैक कर दीजिए। बस दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर तो अभी आप देख सकते हो टोटली हमारा ये बैकग्राउंड जो कि यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको ट्रांजेक्शन गलत हो रहा है तो ऊपर में जो जो विंडो का ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया तो आप चाहे तो उसको विंडो उठा भी सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी मेरा जो भी बैकग्राउंड है इसी बैकग्राउंड को रहने दूंगा। तो अभी बारी आता है फाइनली यहाँ पर थंबनेल को सेव कैसे हम लोग करेंगे। तो गाइस सेव करने के लिए ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शेयर का, शेयर पे हम लोग क्लिक करेंगे और शेयर में क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड में क्लिक करेंगे और नीचे आपको मिल जाएगा और एक बार डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड में हम लोग क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर जो भी अपना थंबनेल है ये थंबनेल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। और मैं यहाँ पर किसी भी एक डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। ओके गाइस, ओके यहाँ पर नेम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं नेम को चेंज कर दिया, अभी सेव में क्लिक करूंगा। और इसके बाद अभी दोस्तों मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया हूँ। अभी ये रहा फोल्डर, इसी फोल्डर में मैंने सेव किया था डेस्कटॉप के। तो ये रहा हमारा थंबनेल। अभी मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा तो अभी देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो थंबनेल अभी अभी यहाँ पर मैंने बनाया हूँ तो इस टाइप का बन चुका है। तो दोस्तों इस तरह से काफी आसान से अपने पीसी या लैपटॉप से अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल को बना सकते हो। सिर्फ दोस्तों यूट्यूब के लिए नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर बहुत सारा जो कि ऑप्शन अवेलेबल है जैसे फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम बहुत सारा चीज के लिए आप यहाँ पर बना सकते हो।